जरूरी नहीं है हर बार बातचीत होनी चाहिए। जंग के मैदान में अब जंग होनी चाहिए। ट्रक्स कहां से टेक ऑफ करेंगे? पाकिस्तान से। भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, मेरा नाम राधेश्याम। मैं आज को आपके लिए फिर से एक बार हम बात करने वाले हैं आपकी मूवी की तेजस, जिसका नाम तेजस है। इतना ही नहीं, इस मूवी को जो लीड गैंग करने वाले हैं कंगना रानौत, जो कि इससे पहले 2022 में आई हुई धाकड़ मूवी में एक एक्शन का रोल प्ले किया, एक्शन का एक्टिंग किया था। जो उसको ये मूवी मतलब मूवी अपने स्टोरी के कारण फ्लॉप हो चुकी, पर जो जो कंगना रावत का जो एक्शन था, जो एक्टिंग एक्शन का था, मतलब वो खतरनाक था। तो आप कह सकते हैं कि ये मूवी मतलब ये मूवी में इसका जो एक्शन है वो तगड़ी फुल देखने को मिलेगी हमको। इतना ही मूवी, ये मूवी एक एरियल एक्शन थ्रिलर होने वाली है, यानी कि एयरफोर्स अटैकर्स और जो कि इंडिया पाकिस्तान वाला युद्ध हुआ था, अब गद्दर को ले सकते हो, वैसे टाइप का जो फिक्शन मूवी बनाता है, तो मूवी के लिए लोग थिएटर में देखने के लिए जरूर जाता है। आपको पता ही है कि ज़्यादातर जो फिल्म बनती है एज अ लेडी रोल कैरेक्टर में जो एक्शन वाली में उतना फेमस या उतना चलता नहीं, पर मुझे क्यों नहीं लग रहा कि ये मूवी एक खतरनाक होने वाली है, क्योंकि इस मूवी का जो मेकर्स है जो कि यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक का भी मेकर था, उसी का मेकर इस मूवी को भी जो बना रहे हैं, तो थोड़ा इस मूवी में दम लग रहा है, जो कि थोड़ा बहुत इस बॉक्स को थोड़ा बहुत हिला के जरूर रखेगा। तो इतना ही नहीं, मूवी रिलीज होने वाला है 27 अक्टूबर को, तो दिल थाम को बैठेगा जो कि इस मूवी में 27 अक्टूबर को इस मूवी में कंगना रावत का नाम होने वाला है तेजस गिल, जो एक एयरफोर्स ऑफिसर होने वाले हैं। तो इस मूवी में जो डायलॉग है वो भी बहुत खतरनाक है। तो अगर इस अभी तो ट्रेलर रिलीज किया, तो ट्रेलर रिलीज करने के बाद से आप मूवी को जज नहीं कर सकते। जब इसका फिल्म आएगा तब इस मूवी अगर ऐसा ही डायलॉग और खतरनाक तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ तो मूवी एक नंबर 1 मूवी हो सकती है। तो आज के लिए तो मिलता है, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।